कुल
शान और ये अजमत है अमरिन हकीम से इस रात में हर काम का फैसला कर दिया जाता है। ये कोई और नहीं कह रहा, ये रब का कुरान कह रहा है। ये सूरत दुखान है, इसकी पहली आयात है। इनको आप पढ़ें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बाबरकत किताब के अंदर इस रात को जिस नाम से पुकारा है वो नाम थी लैलतुल मुबारका। इस रात को बाबरकत रात कहा है। ये किसने कहा है? हमारे रब ने कहा है। और फिर इरशाद फरमाया कि इस रात हर काम का फैसला कर दिया जाता है। कारी मोहम्मद शोएब साहब आप आगे आ जाए, माशाल्लाह हाफिज साहब भी तशरीफ लाए। तो इस रात में हर काम का फैसला कर दिया जाता है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रजब, शाबान और शाबान के बाद कौन सा महीना है? रमजान। अल्लाह ताला हम सबको ये महीना देखना भी और इसकी इबादत भी हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए और ये महीना देखना भी नसीब फरमाए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि रजब, ये शाबान से पहले जो महीना था वो रजब का महीना था, कि रजब की फजीलत बाकी महीनों के ऊपर इस तरह है जिस तरह कुरान पाक की फजीलत बाकी किताबों पर है। फिर आपने इरशाद फरमाया कि रमजानुल मुबारक की फजीलत बाकी महीनों के ऊपर इस तरह है कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की फजीलत पूरी कायनात पर है। फिर आपने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, ये जो शाबान है इसकी फजीलत बाकी महीनों के ऊपर इस तरह है कि जिस तरह मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम मेरी फजीलत बाकी सारे अंबिया पर है। अब आके करीम तमाम अंबिया के सरदार, अल्लाह ने आपको इमामुल अंबिया बनाया। जिस तरह बाकी अंबिया के ऊपर मोहम्मद करीम की फजीलत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह बाकी महीनों के ऊपर शाबान की फजीलत है। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये रवायत करने वाली है, क्या इरशाद फरमाती है कि शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में मुस्तफा करीम मुसलसल रोजे रखते थे। क्या रखते थे? रोजे रखते थे। जरा तवज्जो कीजिएगा, ये मुस्तनद अहदीस के जखीरे में से आपको हदीसें सुना रहा हूं। अपनी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल करें, इधर उधर मत देखें, आका करीम का फरमान सुने। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि एक मर्तबा मैंने अर्ज पेश की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शाबान के महीने में मुसलसल रोजे रखते हैं, हत्ता के पूरा पूरा महीना आप रोजादार रहते हैं, अगले दिन उससे अगले दिन फिर पूरा महीना रोजा, ये क्या वजह है? आपने इरशाद फरमाया ऐ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, क्या तुम नहीं जानती कि ये शाबान का महीना ये ऐसा महीना है कि इसमें लोगों के आमाल रब की बारगाह में उठाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। अरे कह दो सुभान अल्लाह। लोगों के आमाल
रब की बारगाह में उठाए जाते हैं। ऐ आयशा, मुझे इस बात पर खुशी होगी कि जब मेरे आमाल मेरे रब की बारगाह में पेश किए जाएं, इस हालत में पेश किए जाएं कि मैं रोजादार हूं। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये दूसरी हदीस आपके गोश गुजार कर रहा हूं, नकल करने वाली है। क्या इरशाद फरमाती है कि आका करीम रात के पहर मैंने जब आपको बिस्तर पर न देखा तो मैं घर के अंदर आपको तलाश करने लगी, हत्ता कि मैं जन्नतुल बकी में कई कब्रिस्तान में वहां मोहम्मद करीम को देखा। इस हालत में देखा कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का चेहरा मुबारक आसमान की तरफ था। कहते ना सुभान अल्लाह। तो जब मेरे कदमों की आहट अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सुनी तो मुझे देखकर इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुमने ये समझा कि मैं तुम्हारी हक तलफी कर रहा हूं? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, नहीं नहीं, बल्कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आप बिस्तर से उठकर चले गए हैं, शायद किसी और दौजा के पास तशरीफ ले गए हैं, फिर मैं आपको तलाश करते हुए जन्नतुल बकी में आई तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ आयशा, देखो आसमान की तरफ। सुभान अल्लाह। ऐ आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, देखो आसमान की तरफ, मोहम्मद करीम अलैहि सलातो व तस्लीम आसमान की तरफ देख रहे हैं। फरमाया, ऐ आयशा, आज तुम्हें पता है कि यह रात कौन सी है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप बखूबी जानते हैं, इरशाद फरमाइए। तो मोहम्मद करीम ने फरमाया कि आज की रात 15 शाबानुल मुअज्जम की रात है। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैंने आसमान की तरफ देखा तो मोहम्मद करीम ने इरशाद फरमाया कि आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए हैं, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं। ऐ आयशा, आज की रात इतनी बरकत रात है कि आज बनी कल्ब के अंदर जितनी बकरियां हैं और बकरियों के जिस्म के ऊपर जितने बाल हैं, उन बकरियों की तादाद और बालों की तादाद के बराबर आज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों की मगफिरत भी फरमाएगा और बख्शिश भी फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ऐ ईमानदारों, बनी कल्ब ये ऐसा कबीला था कि इसके अंदर नस्लदार बकरियां पाई जाती थी, वो ऐसी बकरियां थी कि लातादाद थी, बेशुमार थी, और उनकी एक खसूसियत ये थी कि उनके जिस्म के ऊपर जो बाल थे वो बेशुमार थे, वो घने थे, वो गिनने के काबिल नहीं थे। वैसे बाल कौन गिन सकता है, वो बेशुमार बाल थे जो कोई गिनना भी चाहे तो नहीं गिन सकता। वो लातादाद बाल उनके जिस्मों के ऊपर थे, वो नस्लदार बकरियां थी। मोहम्मद करीम ने इशारा देकर अपने उम्मतियों को, अपने गुलामों को ये बात समझाई है कि 15 शाबानुल मुअज्जम की रात इतनी बबरकत रात है, जिस तरह बनी कल्ब की बकरियों के जिस्म के ऊपर बाल ये नहीं गिने जा सकते, इसी तरह इस रात में रब इतने लोगों की मगफिरत और बख्शिश करता है जिस तरह बाल नहीं गिने जा सकते, इसी तरह इन मगफिरत वालों की तादाद नहीं गिनी जा सकती। सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालों, अल्लाह के प्यारे नबी, प्यारे रसूल
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی حدیث مبارک طیب طاہر سماعت فرمائیں. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام آسمانوں سے جلوہ گر ہوئے، محمد کریم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے اللہ کے پیارے نبی، پیارے رسول، آپ اپنا چہرہ مبارک اٹھائیے. مستند حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، جبرائیل امین قریب کھڑے ہیں. محمد کریم نے جبرائیل امین کا عرضی سن کر چہرہ انور آسمان کی طرف کیا تو کیا دیکھا؟ ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، آج تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے کوئی ایک نہیں، دو نہیں، دس بیس نہیں، کوئی تیس پچاس نہیں، بلکہ کیا ارشاد فرمایا، پورے 300 رحمت کے دروازے آج کی رات یعنی شعبان المعظم کی رات اللہ رب العزت نے کھول دیے. سبحان اللہ. کتنے دروازے؟ 300 دروازے. وہ جس رات جبرائیل امین جلوہ گر ہوئے تھے وہ 15 شعبان المعظم کی رات تھی. آپ نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو 300 رحمت کے دروازوں کو کھلا ہوا دیکھا اور جنت کے دروازوں کو کھلا ہوا دیکھا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، ارے مصطفیٰ کی سماعت کے اوپر قربان جائیے، آج کوئی دیوار کے پیچھے سے بھی ہمیں آواز دے، ہمیں سمجھ صحیح نہیں آتی جب تک وہ قریب آ کر ہمیں بات نہ سمجھائے. ارے مصطفیٰ کی سماعت پر قربان جائیں، ارے فرشتے آسمانوں کے اوپر ندا دے رہے ہیں، مصطفیٰ زمین پر کھڑے ہوئے سن رہے ہیں اور اپنے غلاموں کو سنا رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جبرائیل امین علیہ السلام میرے قریب کھڑے ہیں، میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کے اوپر فرشتہ ندا دے رہا ہے. پتہ ہے وہ ندا کون سی ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو 15 شعبان المعظم کی رات کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قیام کریں گے. سبحان اللہ. آپ قیام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ. اپنی طاقت، اپنی وسعت اور اپنی قوت کے مطابق چاہے 2 نفل پڑھیں لیکن آج کی رات رازمی پڑھیں گے. تو دوسرے دروازے کے اوپر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا فرشتہ یہ ندا دے رہا ہے کہ مبارک ہو اس شخص کے لیے جو آج کی رات رکوع کرے گا. تیسرے آسمان کے دروازے پر فرشتہ یہ ندا دے رہا ہے، جنت کے دروازے پر یہ فرشتہ ندا دے رہا ہے، مبارک ہو اس شخص کے لیے جو آج کی رات سجدہ کرے گا. چوتھے جنت کے دروازے پر فرشتہ یہ ندا دے رہا ہے کہ مبارک ہو اس شخص کے لیے جو آج کی رات اللہ کی رضا کے لیے تسبیح کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا. آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ. پانچویں جنت کے دروازے پر فرشتہ یہ ندا دے رہا ہے کہ مبارک ہو اس شخص کے لیے جو آج مغفرت طلب کرے گا، رب اس کی بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ. چھٹے جنت کے دروازے پر فرشتہ یہ ندا دے رہا ہے جو محمد کریم نے سن کر ہمیں اطلاع پہنچائی، وہ پتہ ہے ندا کیا تھی؟ کہ مبارک ہو اس شخص کے لیے جو آج اپنی حاجات
अल्लाह की बारगाह में पेश करेगा, रब उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा और उसकी हाजात को पूरा करेगा। सुभान अल्लाह। और साथ में जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ता ये निदा दे रहा है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई है रोजी तलब करने वाला कि उसके लिए रिज्क के दरवाजे खोल दिए जाएं। आठवें दरवाजे के ऊपर फरिश्ता ये सदा दे रहा है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो सदा क्या है कि खुशखबरी हो तमाम मुसलमानों के लिए कि उनको ये रात नसीब हुई है। आका करीम ने अपना चेहरा अनवर नीचे किया और जिब्राइल अमीन अलैहि सलाम से इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल अर्ज की, ए महबूब करीम हुक्म फरमाइए। तो मोहम्मद करीम ने फरमाया, ये सिलसिला ये कब तक जारी रहेगा, ये जो दरवाजे 300 खुले हुए हैं ये कब तक खुले रहेंगे, और ये जो जन्नत के दरवाजों पर फरिश्ते सदा दे रहे हैं ये कब तक सदा देते रहेंगे। पता है जिब्राइल ने क्या अर्ज की, ए अल्लाह के प्यारे नबी प्यारे रसूल, गुरूब आफ्ताब से लेकर यानी 15 शबानुल मुअज्जम की रात, गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक ये 300 दरवाजे रहमत के भी खुले रहेंगे और जन्नत के हर हर दरवाजे पर फरिश्ते भी सदा लगाते रहेंगे। सुभान अल्लाह। कितनी बाबरकत ये है ये रात कि इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको ये तौफीक अता की है कि हम उसके घर में रब का कुरान भी सुन रहे हैं और मोहम्मद मुस्तफा का फरमान भी सुन रहे हैं। ऐ ईमान वालों, जरा तवज्जो तो करो, जब भिखारी किसी के दर के ऊपर आता है वो आकर सदा देता है कि तुम्हारे बच्चों की खैर हो, कि मुझे खैरात दी जाए, तुम्हारे रोजी के अंदर बरकत हो, मुझे खैरात दी जाए, तुम्हारी सेहत के अंदर तंदुरुस्ती व तमन्नाई अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हो, कि मुझे कुछ दिया जाए, हमारे दिल में रहम आता है, हम उसे कुछ न कुछ पेश कर देते हैं। अब भिखारी मुख्तलिफ दरवाजों के ऊपर खुद सदा लगाता है और जो सरदार है, जो मालिक है, जो घर के बादशाह है, वो उनको कुछ न कुछ अता करते हैं। तो ऐ ईमान वालों, ये तो भिखारी का काम है सदा लगाना और मालिक का काम है कुछ ना कुछ दे देना। जरा तवज्जो करो, जो जुमला मैं आपके लिए बोल रहा हूँ ये जुमला बड़ा कीमती है। भिखारी सदा लगा रहा है, मालिक कुछ ना कुछ दे देते हैं। आज की रात ऐसी रात है, आज भिखारी सदा नहीं लगाएगा, आज खुद कायनात का वाली सदा लगा रहा है। सुभान अल्लाह। आज खुद रब्बे कायनात सदा लगा रहा है, आज बादशाहों का बादशाह सदा लगा रहा है, आज कायनात का परवरदिगार सदा लगा रहा है, आज मोहम्मद मुस्तफा का खुदा सदा लगा रहा है कि है कोई रिज्क मांगने वाला। अरे भिखारी सदा लगाए, हम उसे कुछ दे देते हैं, जब मालिक की तरफ से खुद सदा आए कि ऐ भिखारियों मांगो, आज तुम्हारा मालिक खुद होकर तुम्हें पुकार रहा है कि भिखारियों मांगो, जिसने उम्र मांगनी है उसको उम्र दे दूं, जिसने रिज्क मांगना है उसको रिज्क दे दूं, जिसने औलाद मांगनी है उसको औलाद दे दूं, जिसने कारोबार मांगना है उसको कारोबार दे दूं। सुभान अल्लाह। आज की बरकत रात इतनी बरकत रात है, जिसने मुकद्दर मांगना है उसको मुकद्दर दे दो, जिसने सलामती मांगनी है उसको सलामती दे दो, जिसने घर के अंदर खुशियां मांगनी है उस
पेश करके अपनी दुआएं कबूल करवाते रहे। ऐ इमाम वालों, हजरत काम रजी अल्लाह ताला अन्हो ये इरशाद फरमाते हैं कि 15 शाबानुल मुअज्जम की रात ये इतनी बबरकत रात है कि ये रेत के जितने सर्रात हैं इनको गिना नहीं जा सकता। ये रेत के जितने सर्रात हैं इसकी तादाद के मुताबिक, ये पानी के जितने कतरात हैं इसकी तादाद के मुताबिक, ये पहाड़ों का जितना वजन है, पूरी दुनिया के अंदर जितने पहाड़ हैं इसके वजन के मुताबिक, ये जन्नत के दरख्तों के जितने पत्ते हैं इन पत्तों की तादाद के मुताबिक, ये आसमान पर जितने तारे हैं इन तारों की तादाद के मुताबिक, आपके सुभान अल्लाह पर भी कुर्बान जाओ। मैं जुमले कितने कीमती बोल रहा हूँ, मैं कितने कीमती अखबार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मैं दोबारा ये कौल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, और आपने हर हर लफ्ज के ऊपर सुभान अल्लाह कहनी है। क्यों? इस रात को जितना भी जिक्र और अज़कार किया जाए रब को भी पसंद है, मोहम्मद मुस्तफा को भी पसंद है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, हजरत काम रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि 15 शाबानुल मुअज्जम की रात ये रेत के जितने जर्रात हैं इन जर्रात की तादाद के मुताबिक, सुभान अल्लाह, ये पानी के जितने कतरात हैं इन पानियों के कतरों की तादाद के मुताबिक, सुभान अल्लाह, ये कायनात के अंदर जितने पहाड़ हैं इन पहाड़ों के वजनों की तादाद के मुताबिक, सुभान अल्लाह, इन जन्नत के दरख्त हैं इन दरख्तों के जितने पत्ते हैं इन पत्तों की तादाद के बराबर, सुभान अल्लाह, सबको मकबूल आमदनी का बंदोबस्त फरमा।
कतर के सितारे चमका दे, उनके लेह को खोल दे जो अपने बेटों के लिए परेशान है। मौला उनके बेटों के मुकद्दर अच्छे फरमा, जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा, और हम सबको अपनी ताकत अपनी मुस्कत के मुताबिक इस रात इबादत करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्ला अल बलाउल मुबीन।